और ये तो एक प्राइवेट याच है। पेस्की गाइस, अंदर जाने का रास्ता किधर से? ओ यहाँ से। हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्ट्रैंडेड डीप। एंड गाइस, आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग अभी निकले हैं आसपास के आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हम लोग इस आइलैंड पे लास्ट एपिसोड में आके रुके थे। काफी बड़ा और प्यारा आइलैंड है, क्योंकि यार यहाँ पे ना रिसोर्सेस मेरे को काफी सारे मिले थे, पत्थर वगैरह है, काफी सारे फाइबरस लीव्स भी मिल जाते हैं। एंड आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और एक्सप्लोरिंग करेंगे। और ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे एक स्मोकर बना दिया, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि खाने की बहुत कमी हो रही थी। वाटर स्टिल यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ से पानी पी लेते हैं। यार बहुत कम पानी है इसके अंदर, मुझे थोड़ी सी आई थिंक और पत्तियाँ डालनी पड़ेगी। पत्तियाँ मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, डाल देते हैं यहाँ पे। कम ऑन, पानी बना दो भाई, पानी की कमी है इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा। अभी पानी वापस बन जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो जाते वक्त हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे। एंड उसी के साथ साथ मैंने अपने राफ्ट के ऊपर अभी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ गाइस। फाइनली मैंने यहाँ पे जो वुडन कंटेनर के लिए स्पेस होता है, आई मीन अपने स्टोरेज के लिए, उसके कंटेनर्स मैंने यहाँ पे बना दिए। ये देखो यहाँ पे, अबे ऊपर चल। तो लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पे एक ही बनाया था अपना कंटेनर शेल्फ। सो मैंने ऑफ कैमरा ये बना दिया है, ये बना दिया है, ये, तो टोटल तीन बना दिए। इसका मतलब हम लोग अभी काफ़ी सारे कंटेनर्स अपने राफ के ऊपर लगा पाएंगे। एंड उसी के साथ साथ आज के एपिसोड में मुझे एक बनानी है स्पीयर गन। यहाँ पे मैंने वेपन्स के अंदर देखा था, मुझे लग रहा है बढ़िया काम करेगी, इससे हम लोग शार्क वगैरह मार पाएंगे। तो ये है स्पीयर गन, इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे डक टेप चाहिए, लकड़ियाँ, एयर टैंक, आई गेस मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी है। एंड स्पीयर गन के लिए स्पीयर एरो अलग सा होता है, भैंस की। और ये एरो बनाने का भाई बहुत महंगा प्रोसेस है, एक लैशिंग चाहिए इसके लिए। बट ठीक है, मेरे को बनानी तो मैं आज बना के ही रहूँगा इसको। तो इसको बनाने के लिए हमको एक डक टेप चाहिए। डक टेप आई गेस मैंने इसी के अंदर रखवाया था, कहाँ पे गया वो, ये रहा। तो एक डक टेप आ गया हमारे पास। एंड बाकी लेदर और एयर टैंक आई थिंक बाकी के दूसरे जो कंटेनर्स है अपने आइलैंड पे वहाँ पे आएगी, तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेयर गन आज के एपिसोड में बनाने की है और अपना डे 27 सरवाइव हो चुका है। सो कहाँ पे गया अपना लेदर, हाँ देखो ये रहा लेदर एंड एयर टैंक। और मेरे को भी लकड़ी चाहिए, बस ये लकड़ी आ गई, अभी इजीली बन गई है। तो लेट्स गो गाइज, स्पेयर गन बन चुकी है भाई, क्या कूल लग रही है। बट अभी इसकी स्पीयर एरो बनानी पड़ेंगे भाई। ये स्पीयर एरो थोड़ा सा, एक लैशिंग और एक लकड़ी चाहिए। मेरे पास लैशिंग भी पड़ा था आई गेस, हाँ एक लैशिंग पड़ा है, कुछ फाइबरस लीव्स भी है। ये क्या हो गया, मेरा स्पेस फुल हो गया क्या? अरे यार ये स्पेस हमेशा फुल हो जाता है। एंड ये जो कंपास है, ये मेरे को ऑफ कैमरा मिला था जब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था आसपास, तो ये कंपास को यहाँ पे स्टोर करवाते। एंड लीव्स दे दो भाई, क्योंकि अभी इससे मेरे को बनाने हैं अपने लैशिंग। तो एक लैशिंग बन गया, एक ही बनेगा क्या? ओके, दो बन गया ऑलरेडी, हाँ ठीक है। तो दो लैशिंग बन गए, और अभी इससे अपने लकड़ी कहाँ पे गई, लकड़ी, इससे वो एरो भी बन जाएगा। यस, स्पीयर गन एरो गाइस बन गया। तो कहाँ पे एरो, ओके ये एरो है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करें, अभी किसके ऊपर ट्राई करें यार, यहाँ पे कोई आसपास पंछी है। व्हाट द हेल, आई एम सो सॉरी बडी। भाई सीगल को भाई क्रेजी है गन, मैं लिटरली पंछी वगैरह मार सकता हूँ अभी। गाइस ये बढ़िया सिस्टम लग रहा है यार। ओ भाई, तो एक बना दिया, मेरे पास यहाँ पे और फाइबरस लीव्स है क्या गाइस, थोड़ी सी ना मैं आसपास। ओके मेरे पास, ओके लकड़ी चाहिए, एक और एरो बन जाएगा ना, तो एक और बना दे भाई। मुझे लग रहा है ना गाइस, ये शार्क के खिलाफ यार बढ़िया काम करेगा। ये रॉक वगैरह भी ना एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं कहीं पर स्टोर कर देता हूँ। मेरे पास ना बहुत सारा स्पेस का इशू हो जाता है हर बार, तो अभी एक और बन जाएगा, ठीक है। नहीं अभी ओके, लैशिंग खत्म हो गया, तो लैशिंग में ढूंढता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एक यूका ट्री है, नाइस, तो यहाँ से और भी मिल जाएंगे। यूका ट्री से पास तो मिल ही जाते हैं काइंड ऑफ। तो आ गए यहाँ पे चार पांच, ओके और थोड़े से, ओके यहाँ पे भी पड़े, तो इनको भी उठा लेते हैं। एक मिल गया, ओके दो मिल गए, नाइस। मेरे को एटलीस्ट चार पाँच एरो तो भाई चाहिए होंगे ना, एक दो एरो से दे भाई, मतलब अगर शार्क को मारा तो शार्क भाग जाएगी और उसी में एरोज लग जाएंगे शार्क के। ओके यहाँ पे एक और है, वैसे टाइम क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ बहुत भाई, मेरा हार्ट रेट आई मीन हार्ट का साइन देखो, वहाँ पे एक ही हेल्थ है। मुझे आएगा सब अपना पानी का और खाने का बार गाइस अप करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी हेल्थ रिकवर होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक आजूगा प्लांट भी है, बट नो स्पेस इन इन्वेंटरी, हमेशा ऐसा ही होता है, ये इन्वेंटरी हमेशा फुल हो जाता है मेरा, नूबड़ा कहीं का। यहाँ पे कहीं पे और है, ओके और है गाइस, देखो और मिल गया, कितने आ गए टोटल मेरे पास, 12 आ गए, इसका मतलब तीन और बनेंगे, ठीक है। अरे स्पीयर नहीं बनाने का, ये बनाने का है लैशिंग, दो तीन लैशिंग्स बन गए गाइज, और इसका मतलब तीन एरोज बनेंगे, तो तीन एरोज भी जल्दी बना देता हूँ मैं। एक बन गया, दूसरा बन गया, एंड तीसरा बन गया, कितने आ गए टोटल, अभी अपने पास टोटल एरोज है
5 एरोज है, आई गेस 5 इनफ रहेंगे, बट स्टिल मेरे को मोर चाहिए आई गेस। बट यार इधर के सारे ये लीव्स खत्म हो गए ना यार, फाइबर स्लीव्स इतने ही थे, तो मुझे लग रहा है 5 एरो में अपना काम मुझे काम चलाना पड़ेगा। और अभी सबसे पहले काम करता हूँ मैं, पानी पी लेता हूँ, यार मेरा हेल्थ बहुत डाउन गया है। ओके, पानी का बार 5 के ऊपर चला गया और खाने का भी 5 के ऊपर लेके चलते हैं, तभी अपना हेल्थ रिकवर होगा। हाँ अभी देखो, खाने का और पानी का ऊपर चला गया तो अभी हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और अभी मुझे यहाँ से आएगी निकल लेना चाहिए एक्सप्लोरिंग करने के लिए। अभी हम लोग लास्ट एपिसोड में उधर वाले आइलैंड से आए थे, तो अभी मुझे किधर जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो गाइज, वहाँ पे भी एक आइलैंड है, कहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ उधर भी एक है, वहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहे, पीछे वाले आइलैंड पे चलते हैं ठीक है, मे बी वहाँ पे कुछ मुझे बढ़िया सा मिल सकता है। और अपने साथ में इस बार काफ़ी सारा खाना लेके जाने वाला हूँ, तो स्मोकर से खाना निकालते हैं एंड इनमें से एक कंटेनर मैं अपने साथ भी लेके जाऊँगा। अभी कौन सा एक भी कंटेनर, एक सेकेंड इसके अंदर का सामान निकालता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर ये खाना रखवा दो ठीक है, और इसके अंदर का जो ये पत्थर वगैरह है वो इधर स्टोर करवाते हैं। हाँ ये एयर टैंक इधर स्टोर हो जाएगा। और ये लेबल, यार ये लेबल का ना मेरे को समझ नहीं आया, अब तक मैं इसको पता नहीं क्यों लेके घूमता हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, नाम थोड़ी देना है मेरे को किसी चीज़ को। एंड ये जो अपना हैमर है ये भी इसी के अंदर रखवाते हैं, और पत्थर भी ले लो, पत्थर की कोई ज़रूरत नहीं है, पत्थर यहीं पे फेंकते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वापस आने वाला हूँ। एंड ये जो पत्तियाँ है वो भी आई गेस मुझे अपने साथ लेके जानी चाहिए, नहीं यहाँ पे यहीं पर डाल देता हूँ, पानी बन जाएगा थोड़ा सा, जाते जाते पी लूँगा मैं। सो आई गेस इतना इनफ है। और बैटरी मुझे आई गेस अपने साथ लेके जानी चाहिए अपने आइलैंड पे भी, मतलब अपना जो राफ्ट पे कंटेनर्स है वहाँ पे हम लोग रखवा देंगे एंड ठीक है। या मैं सारे कंटेनर्स लेके जाके, हाँ यार सारे कंटेनर लेके जाके मैं राफ्ट पे रखवाता हूँ ना, ऐसा अलग अलग करने की क्या ही ज़रूरत है। हाँ गाइस ये बेटर ऑप्शन है, क्लोथ भी उठा लेते यहाँ से। सो मुझे लग रहा है अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए। पानी आ गया थोड़ा सा, हेल्थफुल हो गई। बस पानी का यार मेरे को ना थोड़ा सा, क्या मैं ये पानी की वाटर सील वगैरह अपने राफ्ट पे आई डोंट थिंक मैं बना सकता हूँ। अगर यार फ्यूचर में बनने का ऑप्शन आ गया ना राफ्ट बड़ा करके, मेरा मज़ा आ जाएगा, फिर हम लोग ना अपने राफ्ट पे ही पानी का और खाने का सब कुछ उधरिज कर देंगे। हाँ ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बट अभी यहाँ से निकल लेते गाइज ठीक है। बट मेरे को वापस यहीं पर आने का ठीक है, अभी ऊपर चल, नॉट इन अ स्पेस इन इन्वेंट्री। ओके तो एक काम करते हैं, कंटेनर यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ। हाँ ये बढ़िया, इधर से अटैच हो जाएगा, इधर भी अटैच हो जाएगा एक, नाइस अभी चढ़ सकता है ना। खाना अपना ये कंटेनर के अंदर है ठीक है। और देखो ये शार्क आ गई, मैं जैसे राफ्ट पे आ गया घर ये कही कि आ ही गई यहाँ पे मनहूस, तो अभी यहाँ से अपना राफ्ट का सेल नीचे करते हैं, अपना स्टेयरिंग व्हील पकड़ते एंड निकल लेते यहाँ से, यू टर्न मारने का है, यू टर्न नहीं सीधा पीछे जाने का ठीक है। और मुझे वापस यहीं पे आना है गाइस इसी आइलैंड पे, क्योंकि अपना ये काइंड ऑफ सेकेंड बेस है, क्योंकि यहाँ पे पानी पीने का मेन सिस्टम है। वैसे बेस में कहीं पे भी बना सकता हूँ, बट ये खाने का और ये स्मोकर वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो दैट्स मेरे को वापस यहीं पे आना है। अभी मैंने खाना पानी ठीक से ले लिया, तो मे बी इस पीछे वाले आइलैंड पे कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल जाए। और अभी अपने पास एक अच्छा सा वेपन है, तो किसी से डरने की तो अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आप अभी देखोगे ना अपना राफ अच्छा लग रहा है, ऐसा भरा भरा, 2-3 अभी कंटेनर शेल्फ आ गए, इसके अंदर मैंने कंटेनर्स रखवाया है। एंड इन फ्यूचर अगर बड़ा हो गया ना, तो इसके ऊपर हम लोग बेड वगैरह भी बना देंगे, मुझे लग रहा है हम लोग ना बेड वगैरह बना सकते हैं, फिर सोने का वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व आउट ही हो जाएगा। उधर भी एक मुझे आइलैंड दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे एक बड़ा सा पोल है गाइस, वहाँ पे जाएगा मे बी, वहाँ पे ना एक बड़ी शिप हो सकती है। बट सबसे पहले इधर चलते ठीक है, ये वाले आइलैंड पे चलते हैं। तो आज की रात ना यहाँ पे मैं बताऊंगा, आज की रात मतलब आज का दिन, और फिर सुबह में हम लोग वापस अपने बेस आइलैंड पे आएंगे, यहाँ से फिर वापस उधर निकलेंगे ठीक है। वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा एक पोल दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे बड़ी शिप होगी। यहीं पे रोक दूंगा इसमें, यहीं पे रोक देते ठीक है, आई नीड टू कूल डाउन। ओके यहीं पे रोकते इसको, और ये आ गई मनहूस, अब दो आ गई, और आई नीड टू कूल डाउन इसने क्यों बोला बे, आई गेस आई नीड टू कूल डाउन जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी स्किन लाल हो जाती है और अपना SPF डाउन चला जाता है। और गाइस ये आई थिंक सन की वजह से होता है, तो मुझे ना गाइस अपने राफ के ऊपर ऐसा छाव के लिए कुछ बनाना चाहिए। बट अभी ये दोनों शार्क्स मेरा पीछा कर रही है यार, बट मेरे को आइलैंड पे तो जाना ही, काम करते अपने साथ ना थोड़ा सा, एक खाने का टुकड़ा लेके चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, और SPF डाउन करने के लिए भी मेरे को वहाँ पे कोई एलोवेरा प्लांट ढूंढना पड़ेगा। एंड मेरे पास ये जो लाइट वगैरह है वो मैं कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर देता हूँ ठीक है, इसी के अंदर स्टोर करवाते हैं। काम का अपने साथ लेके घूम रहा हूँ मैं, आई थिंक इतनी बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड क्लोथ इसके अंदर रखवाते हैं फिर, क्लोथ इसके अंदर रखवाते हैं। और अभी जाओगा इसमें, वैसे शार्क तो यहीं पे घूम रही है, देखो दोनों यहीं पे घूम रही है उनकी भैंस की, देखो दोनों ऐसे गोल गोल चक्कर मेरी को राउंड खेल रहे हो क्या नूबड़ो। बट मुझे आई गेस जाना चाहिए अभी, आई एम गोइंग गाइस, जल्दी चल भाई, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी, मेरे को लगा ही था तेरी तो मैं हड्डी तोड़ दूंगा, रुक जा साली। अभी सबसे पहले उस केकड़े से निपटते हैं गाइस, मेरे को तुम लोगों ने बहुत तंग करा था ना, अभी तुम्हारी शामत आएगी नूबड़ो, वो सो रहा है, नो फ्रिकिंग वे, आर यू सीरियस, उसको लगा नहीं,
उसको लग क्यों नहीं रहा? अभी उसको लग क्यों नहीं रहा भाई? केकड़े को ऐसे लगता नहीं क्या? ये स्पीयर टूट गया क्या? व्हाट? केकड़े को मारने से स्पीयर टूट जाते हैं? ये क्या बकवास है? इसको पीछे से मारो। ये पीछे से ना ऐसा ये मुड़ के नहीं दिख पाता। देखो ये बेस्ट तरीका इसको मारने का। बट यार मेरे ये खराब कैसे हो गए? ये लास्ट टाइम ना जो मैं बो यूज कर रहा था ना तब भी ऐसा ही हो गया था यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा, व्हाट द हेल, ये क्या हुआ भाई? ये लगा क्यों नहीं उस केकड़े को? पता नहीं यार। और ये टूट भी गए यार। मैंने तो यार बहुत इससे उम्मीदें लगाई थी। ठीक है, इसको मार दिया। और इधर ये बोर भी घूम रहा है, मतलब ये बड़ा सा बोर भी होगा। यहाँ पे बड़ा बोर होगा मतलब यार। फिर ये स्पीयर इनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये नॉर्मल क्रूड स्पीयर ये भाई बढ़िया है। और अभी मेरा SPF जो डाउन हुआ है, ओके धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है। तो मेरे को एक एलोवेरा प्लांट ढूंढना पड़ेगा आसपास। हाँ, सांप को तो मार सकता ना यार। प्लीज़ सांप के खिलाफ तो एक काम करना चाहिए प्लीज़ यार, कुछ फ़ायदा हो। सीगल तो मार दी थी इसने। यस, सांप के खिलाफ गाइस हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है। मर गया नुबड़ा। अभी कर फुसफुस, करना फुसफुस नुबड़े कहीं के सांपड़े। फुसफुस कर। ओके मर गया। ओके गाइस मार दिया उसको। ठीक है, एकदम शांत रहने का है। ठीक है, अगर वो सांड भी आ गया तो चिल, हमारे पास रिफाइंड स्पीयर है। मुझे लग रहा है मुझे 2-3 रिफाइन स्पीयर बना के रखने चाहिए। एंड ये रहा गाइस वो एलोवेरा प्लांट, इसको खाने से अपना SPF पूरा फुल हो जाता है। देखो फुल हो गया, ये फ़ायदा होता है इसका। ठीक है, मतलब मैं कूल डाउन हो जाता हूँ काइंड ऑफ। बट वो बोर है क्या आसपास, मैं उससे थोड़ा सा बच के। ओके नहीं है, अभी इस कंटेनर के अंदर चेक करते प्लीज़ यार, कुछ बढ़िया सा आइटम मिल जाए। दरवाज़ा किधर है इसका? यहाँ पर भाई। कंटेनर उन्होंने फिर दे क्यों रखे हैं? आई मीन आई डोंट गेट इट, वाई द हेल ये दे क्यों रखा है इन लोगों ने? मुझे लग रहा है इसका ना कोई फ़ायदा होता है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? अरे 16 बज गए, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मुझे गाइस यहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ देखते। मेरे को यहाँ पे रात तो नहीं बितानी है। ठीक है, आसपास शिपरेक वगैरह नहीं है क्या भैंस की? इतना बड़ा आइलैंड तो है बट यार शिपरेक दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते गाइस। ओ वहाँ पे बड़ा सांड घूम रहा है वो। अरे यार, और शिपरेक मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यार शिपरेक है ही नहीं यहाँ पे, क्या नूबड़ा आइलैंड है यार। बट अभी उससे थोड़ा सा बच के। वैसे ना मुझे गाइस उसको मारने का ना मेरे पास एक तरीका है। अगर मैं इसके ऊपर चला गया ना तो आई डोंट थिंक सो मेरे को मार ऊपर आके मार पाएगा, क्योंकि सांप घूम रहा है आसपास। सांप घूम रहा है, ऊपर चल कहाँ पे घूम रहा है सांप? शिट, ओके इसके ऊपर चलते हैं। सांप की आवाज़ आ रही थी कहाँ पे? ओके उधर है। तेरी भैंस की लकड़ी, ये इधर आएगा क्या मेरे को देख के? बट यार थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा ना ऊपर। ओके ये ऊपर नहीं आ सकता। नाइस, यस आजा, ये बढ़िया है। तो पत्थर के ऊपर चढ़ने के बाद वो ऊपर नहीं आ सकता। अभी आजा तेरी भैंस की लकड़ी नूबड़े मेरे पास। ओके अभी एक ही स्पीयर बचा है। यस, ओह नो फ्रिकिंग वे सॉरी, तेरी मार रहा है गाइज, मार रहा है मेरे को, तगड़ा मार रहा है भाई। और अंधेरा हो गया गाइज, मुझे लग रहा है ना गाइज आई नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम। व्हाट द गाइज, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बेस आइलैंड पे गाइज वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे को आइलैंड देखो, यहाँ पे कुछ मेरे को कुछ वैसे कुछ मिला भी नहीं। एंड ये वॉट द ऊपर से मेरे पीछे पड़ गया। आई नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग गाइज, सीरियसली मैं बहुत कमजोर हूँ यार यहाँ पे। मेरे को मतलब लिटरली कोई भी आके मार देता है। और इस गेम के अंदर आर्मर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है भैंस की। और आसपास कोई शिपरेक नज़र तो नहीं आ रहा गाइज, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, बस अभी ये शार्क ना आ जाए भाई, क्योंकि शार्क आसपास ही घूम रही थी। जल्दी चलो, मैं वापस अपने बेस आइलैंड पे जाऊँगा, सेकेंड बेस। और वहाँ पे जाके हम लोग दूसरे आइलैंड पे, मतलब वो जो अभी दूसरी तरफ है ना, हम लोग उधर जाएंगे। मेरे को किसी का फ़ोन आ रहा है, बट फ़ोन से पहले यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ लेता हूँ। अबे ऊपर चल। ओके आ गया मैं ऊपर। यस, लेट मी चेक द फ़ोन। बैंक वालों का फ़ोन था गाइज, डोंट वरी। अभी बैंक की ऐसी की तैसी मैं निकल लेता हूँ, मेरे को उधर जाने का। ठीक है, सो ये अपना सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील पकड़ो, इसको घुमाते एंड यू टर्न मारते हैं। गधा आइलैंड एक नंबर का बकवास, कुछ भी नहीं मिला। आई गेस आइलैंड के दूसरी तरफ शिप हो सकता है, बट मैं रिस्क नहीं लेने वाला, मुझे वहाँ पे वापस जाने का। ठीक है, या वी आर गोइंग देयर गाइज, वी आर गोइंग बैक। आई नीड टू गेट स्ट्रॉन्ग गाइज, मेरे को ना अभी ऐसा ना पूरा स्पीयर वगैरह ऐसे दबा के बना के रखने चाहिए। वैसे इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग वेपन तो वही स्पीयर ही है ना।
और पता नहीं यार जो वो बड़े बड़े अभी बॉसेस होंगे मैं उनको कैसे मारूंगा। या तो मुझे लग रहा है इस गेम के अंदर का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन मुझे लगता है वो स्पीयर है, क्योंकि उस जो लकड़ी का स्पीयर होता है ना क्रूड स्पीयर, मैंने उसको उस शार्क को मारा था, तो शार्क अगर उस स्पीयर से मर सकती है तो मुझे लग रहा है ना उस आइलैंड पे जब मैं जाऊंगा ना कहीं पे अगर वो वॉर डॉग वगैरह होता है, मैं अपने शिप के ऊपर ना एक चेस्ट के अंदर पूरे सारे स्पीयर्स ही बना के रखूंगा, और हम लोग जब भी ऐसा कहीं हमको जानवर देखेगा हम लोग सारे स्पीयर लेके जाएंगे 10-15 एंड उसको खूब देंगे साले को। अभी उसने मेरे को भगा दिया है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं साले, और ये मेरा शार्क भी पीछा कर रही है। अरे बड़ी अच्छी बात है अपने एटलीस्ट राफ है, थोड़ी सी लाइट तो है, दिखाई तो दे रहा है भाई। हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं और मैं अपने राफ को यहीं पे पार्क करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको कल सुबह उधर जाने का है। तो सेल को नीचे करते हैं, इसको ड्रॉप करो एंड लेट्स गो। मैं अपने साथ थोड़ा सा खाना लेके चलता हूँ क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है। या इसको खाते हैं एंड निकल लेते हैं, ठीक है। और मैं अपने साथ ये प्लैंक लेके क्यों घूम रहा हूँ यार, ये प्लैंक को यहीं पे स्टोर कर दो, ठीक है। मेरे को आई थिंक वहाँ से एटलीस्ट प्लैंक तो मिल गए थोड़े से, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, थैंक यू। और अभी यहाँ पे सो लेते हैं गाइस, गुड नाइट, एंड सुबह होने के बाद दूसरा आइलैंड, ठीक है। अभी तक मेरे को कोई बड़ा शिपरेक वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं है, मतलब या मेरे आसपास कोई कुछ है कि नहीं पता नहीं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है गाइस। अभी सबसे पहले यहाँ पे पानी पी लेता हूँ मैं पूरा भाई, हेल्थ फुल कर लेते हैं। या पानी मैंने फुल कर लिया। यहाँ पे रिफाइंड नाइफ बनाने के लिए मेरे को एक लैशिंग चाहिए, तो लैशिंग भी बन जाएगा, लेट्स गो। अभी बन जाएगा चक्कू, फाइनली मैंने एक चक्कू भी बना लिया, क्योंकि यार खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर चक्कू होगा तो मैं किसी को मार के खा सकता हूँ, ठीक है। सो या अभी सुबह सुबह ही मैंने निकल लूँगा वहाँ पे, ठीक है। खाना पानी अपने पास आ गया थोड़ा बहुत, और हमको उधर जाने का है क्योंकि वहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम वो बड़ा पोल दिखा था, ठीक है। टर्न 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 टर्न, अटकना नहीं अटकना नहीं, बस प्लीज अटकना नहीं यार। यस, हमने गाइस टर्न ले लिया बढ़िया बढ़िया सा, एंड निकल लेते अभी उस आइलैंड के लिए, ठीक है। मुझे अभी सबसे पहले वहाँ पे जो बड़ा पोल है ना उधर जाने का है, और अपना होम आइलैंड इधर है। ओके, मुझे याद है अभी, अभी वो शार्क वापस मेरा पीछा करेगी, देखो। और मैंने सुना है ना हम लोग इस राफ के ऊपर ऐसा मोटर बोट वगैरह भी लगा सकते हैं, फिर और भी बढ़िया राफ काम करेगा यार। मेरे को ना अभी तो वो चीज़ें मिली ही नहीं है, मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे गाइस। अभी ना बहुत एक्सप्लोरिंग की ज़रूरत है सीरियसली, देखते हैं मे बी आने वाले कुछ एपिसोड्स में हमको मोटर बोट मिली जाएगी। मे बी ना मैं नेक्स्ट एपिसोड में ही बनाऊंगा, उसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना हम सारा कलेक्ट करेंगे। और एक हेलीकॉप्टर भी है मैंने सुना है गेम के अंदर, आगे क्या वो पीछे, उसको पता चल ही जाता है मैं जैसे ही ना आ जाता हूँ पानी के अंदर। मेरे को उस पोल के जगह पे जाना है, वहीं पे हम लोग जाके अपना राफ रोकेंगे एंड नीचे डाइव करके चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। ड्रॉप द एंकर, और हम लोग गाइस एकदम उस पोल के पास आके रुक गए। यहाँ पे है क्या, बहुत बड़ी शिप है गाइस। एक सेकेंड, मैं अपने साथ ना सिलेंडर लेके चलता हूँ सांस लेने के लिए। हाँ, मेरे पास 4 सिलेंडर्स पड़े हैं, एंड अपने पास थोड़ा सा ना जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा है उसको यहाँ पे स्टोर करवाता हूँ मैं। हम लोग ये स्पीयर नाइफ रखवा दो, ठीक है। और ये तो एक प्राइवेट याच है, पैस की गाइस। अंदर जाने का रास्ता किधर से, ओ यहाँ से। ओ माय गॉड गाइस, भाई फाइनली एक बढ़िया आइटम मिल गया, और मेरे पास सिलेंडर है तो डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। किचन लग रही है याच का इधर से। ओके, रास्ता बंद है। ओके, कंटेनर फ्यूल क्या है, राशन तो दे दो यार थोड़ा सा। ओके गाइस, सांस फूल रही है, इसको यूज़ कर लेते हैं, नाइस। फिर ये किचन के अंदर भी कुछ, ओके कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे। आर यू सीरियस, इतना बड़ा प्राइवेट याच है। और मैं अटक गया, नहीं नहीं अटका नहीं, अटकना नहीं भाई, अटकना नहीं, लफड़ा हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे गाइस एक ही कंटेनर था, यहाँ से आई गेस बाहर निकलने का रास्ता है। दूसरी तरफ कहाँ से जाऊँ मैं, वो शार्क आ गई। प्लीज़ 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 नहीं हूँ मैं यहाँ पे। माई गॉड गाइस, शार्क इज़ बैक। ओके यहाँ से रास्ता है। ओके मैं गाइस दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। शार्क अंदर तो नहीं आएगा आई गेस। ओके सांस मेरी फूलने वाली है, वापस इसको यूज़ करते हैं। ओके फाइनली एक कंटेनर मिल गया, नाइस, बढ़िया बढ़िया, एक तो मिल गया एटलीस्ट। बट प्राइवेट याच के अंदर यार इतना ही सामान, मेरे को यार ये बात हजम नहीं हुई। और कुछ है क्या ऊपर, तो शार्क है ना, वो शार्क इधर ही घूम रही है गाइस। आई गेस गाइस सामान इतना ही यहाँ पे। ओ आ गई तेरी भैंस की लकड़ी, रुक जा, मेरे को राफ पे जाने दे प्लीज। ऊपर चल, एक झटके में ऊपर चढ़ शार्क। अरे शार्क यहीं पे घूम रही है, ऊपर चढ़, अरे ऊपर चढ़। काफी गए वो, काफी गए वो, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं साली को। सबसे पहले इसके अंदर चेक करते क्या है। ओके हाँ, फाइनली एक अच्छा चेस्ट मिला, ये इधर रखवाते। एंड तू आ जा भी, तेरी भैंस की। आजा, मस्ती आ ली ले, कुड़ी गेली थे, कुड़ी गेली या मस्ती आ ली, मस्ती
ओके मेरे आते स्पेयर खत्म। ओके मेरे राफ को धक्का दे रही नीचे से। आ जा तेरे को मेरे मेरे ये खराब खत्म हो गया क्या? अरे मेरे स्पेयर्स खत्म। ओ माय गॉड अभी मैं दूसरी तरफ कैसे जाऊंगा? ओके मैं एक स्पेयर बना सकता हूँ आई गेस, या एक बन गया, एक और बनेगा, दो ही बनेंगे आई गेस। मैं इसको तो मारूंगा आज, मैं आयरन के ऊपर तो बाद में। आई थिंक दो शार्क घूम रही है क्या? अरे खत्म, वेस्ट हो गया। ओके लगा उसको, लगा कैसे बांटते हैं। और ये मेरा मेन स्पीयर है, नहीं ये क्रूड स्पीयर में खराब नहीं करना चाहता गाइज। अभी मैं ना दूसरी तरफ, एक सेकेंड काम करते हैं, राफ को आगे लेके चलते गाइज, क्योंकि अगर मैं यहाँ से खुद चल के गया ना मेरा शार्क हड्डी तोड़ देगी। अभी ना मैं उस आइलैंड पे जाके बहुत सारे वुडन स्पीयर्स बनाऊंगा ठीक है, ताकि मैं इस शार्क को ना मार सकूं। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साली, रुक जा यहाँ पे, अपने राफ को पार्क करते। अगर मैं यहाँ से उधर स्विम करके जाऊँगा ना वो मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये आइलैंड पे आ चुका हूँ, पता नहीं आई गेस आई आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। घूम फिर के मैं वहीं पे तो नहीं आ गया ना, मुझे लग रहा है कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ यहाँ पे आसपास। ओके सबसे पहले पानी के अंदर चलो, एंड मैं भी काफ़ी सारी लकड़ियाँ लेके आने वाला हूँ। नहीं आई गेस मैं नहीं आया, ये प्लैंक स्क्रैप अगर होते तो मैं उठा के लेके जाता। गाइज ये नया आइलैंड लग रहा है ठीक है, हाँ देखो क्रैश भी है, इसका मतलब नया आइलैंड है। मेरे को सबसे पहले लकड़ी दे दो, यहाँ पे ये बोर भी घूम रहा है। और ये आ गया अरे आ गया। मेरे को ना अभी सीरियसली आइलैंड्स के ऊपर जाने से ही डर लगता है इनकी वजह से। ये बड़ा बोर भी होगा यहाँ पे, अभी उसको मारने के लिए ओके इस स्पीयर को यूज़ करते हैं। उसके बस पिछवाड़े से मारो उसको ठीक है, उसको ऐसा उसको पीछा करो ऐसा, आ जाएगा वो, आ जाएगा पीछे। हाँ देखो ऐसा ऐसा ऐसा, वो जब ऐसा भागे ना तो इसको पिछवाड़े से मारो, वो मुड़ नहीं सकता। हाँ देखो भाग कर आए नुबड़े, रुक रुक तेरी भैंस की लकड़ी काफी भाग रहा है। तू भी आजा, तू भी आजा, तुमको जला दूंगा मैं सालो। सबसे पहले स्पीयर बना दो, स्पीयर की तुम मैं ओके कितनी तीन बन गए, मेरे को और चाहिए, इसका मैं फेंक देता हूँ इसको, ये नहीं चाहिए मेरे को। ओके एसपीएफ मेरा कितना चला गया? ओके ओ भाई मेरी हेल्थ डाउन गई है, मेरे को खाना पड़ेगा, ये शार्क ने मारा था ना मैं भूल गया उसके बारे में, अभी मेरी हेल्थ रिकवर नहीं होगी, मेरे को पानी पीना पड़ेगा यार। मेरे पास वैसे राशन पड़ा है उससे पानी का ठीक हो जाएगा, बट मेरी हेल्थ रिकवर नहीं होगी, मेरे को जल्दी से जल्दी गाइस पानी पीना पड़ेगा। ये हेल्थ बार 5 के ऊपर जाएगा तभी मेरी हेल्थ रिकवर होगी। और आसपास मेरे को शिपरेक भी नज़र नहीं आ रहा यार, क्या बकवास आइलैंड से ये। और इधर वो सांड होगा, ओ है ना यहाँ पे, देखो वहीं पे घूम रहा है। और सांप का आवाज़ आ रहा है कहाँ पे? ओ इतना हाथ सर तुम्हें साटते यार, यार क्या निशाना है मेरा, आई एम द बेस्ट गाइज, आई एम वो मेरा स्पीयर लेके घूम रहा है, आजा मैं जाऊँ उसके पास गाइज, मेरा स्पीयर नीचे पड़ा है, मुझे डर लग अभी तो मरेगा डेफिनेटली, या इज डेड। दो स्पीयर में सांप का खेल तमाम हो जाता है ठीक है। ये स्क्रैप दे दो मेरे को, वो सांड मेरे को पता है मेरे को देखेगा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं ना बस गाइज, एक दिन ना मैं सबको ना खा जाऊंगा गधों को मैं। बट अभी के लिए थोड़ा सा शांत रहते हैं, कोकोनट ले लेते हैं थोड़ा सा, मेरे को पानी पीना है। और फ्रेश वाटर पीने के लिए मेरे को कोकोनट से कोकोनट फ्लेक्स मतलब ये फ्लेक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए। ओके यूका प्लांट है यहाँ पे, अपना काम हो जाएगा। और मुझे ऐसा ही लग रहा है ये आइलैंड पे मैं आ चुका हूँ यार, ओनली एक ही वहाँ पे मेरे को मतलब प्राइवेट जेट या क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट शिप मिला मेरे को। बट अभी सबसे पहले ये यूका प्लांट से यूका लीव्स ले लो, मेरे को लैशिंग बनाने का है ठीक है। अभी इससे फ्रेश वाटर बन जाएगा, बन गया ये, एक और लैशिंग बनाना है मेरे को। और थोड़ा सा सेल्पिंग, ये सेल्पिंग है इसको क्या बोलते हैं, मैं ना स्कैल्पिंग सेल्पिंग में कुछ भी बोलता हूँ, फाइबरस लीव्स बोलते हैं इस चीज़ को। अभी एक और बन जाएगा गाइस, लेट्स गो। मैंने कहाँ पे बना के रखा था, अरे ये कहाँ से आ गया, दो दो केकड़े। मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा अभी, क्यों किनारे फेंक दो। अरे तो केकड़े को इससे कुछ नहीं होता, ओके मैं भी उसकी स्किल की वजह से, तभी मेरे ना एरोज उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे। ओ आई गॉट इट गाइज, आई गॉट इट। तो केकड़े को मारने के लिए हमको उसको पीछे से ही मारना पड़ेगा, उसका
उसको पीछे देखो ऐसे ऐसे, ये जब तक मुड़ता नहीं ना, हाँ अभी मुड़ना मुड़ना अभी मुड़ मुड़ अभी मुड़ अभी मुड़। I just hate them. हो एक और सांप है। और तुम लोग कितने हो यार? ये गेम को मेरा डर पता है गाइज। आई मीन भाई मेरा निशाना तो भाई इतना सही है ना भाई, क्या ही बताऊं मैं। आई जस्ट हेट स्नेक्स। अरे अरे नारियल के ऊपर नहीं रे, अरे फुसफुस करते इधर ही आ रहे, वो इधर आ रहे, वो इधर आ रहे, सांप इधर आ रहे। गाइज रुको थोड़ा गाइज, वो भी वापस बैठेगा जगह पे। अभी फुसफुस करना करना फुसफुस कर फुसफुस कर। फाइनली मेरे सारे स्पेयर मेरे को वापस मिल गए। ओके हथौड़ा भी मिल गया। मैं यार यहाँ पे ना अपना ये बना रहा था, भैंस की लकड़ी इसकी। अभी अपना एक और बन जाएगा लैशिंग एंड एक और ये कोकोनट फ्रेस्क। इजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड फाइनली अभी मेरी हेल्थ रिकवर होगी, अभी होगी ना रिकवर इसकी भैंस की लकड़ी। अभी रिकवर हो रही है, हाँ हो रही है गाइज फाइनली, अभी हेल्थ रिकवर हो रही है। मैंने लिटरली 4-5 कोकोनट फ्लास्क बना के पानी पी लिया। और अभी मुझे लग रहा ना ये जो खाली कोकोनट फ्लास्क है ना, इनको ना मैं अपने शिप के ऊपर ना, अपने राफ्ट के ऊपर ना, अपने घर का पानी ला के इसके अंदर मैं रखूँगा, ताकि मेरे को ना बाद में मतलब प्रॉब्लम ना हो ये ढूंढने में। मैं इनको ना कलेक्ट करके अपने शिप के ऊपर लेके जाऊँगा, अपने राफ्ट के ऊपर। शिप शिप बोल रहा हूँ मैं बार बार, अपने राफ्ट के ऊपर इसको लेके चलते हैं। एंड इसके अंदर जब हम लोग अपने बेस पे जाएंगे ना, उधर से पानी भरेंगे, ठीक है। और अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, क्योंकि मेरे को लकड़ी से स्पेयर बनाने के, अभी मैं बहुत सारे स्पेयर और बनाएगा। अभी क्या हो गया, स्पेस का प्रॉब्लम फिर वापस आ गया। इसको फेंक दो एंड अभी स्पेयर बन जाएंगे, ठीक है लेट्स गो। क्योंकि मैं इन स्पेयर से उस शार्क को तो मारने वाला हूँ आज। कितने बन गए? बहुत सारे बन गए, आई हैव 4। हाँ भाई बहुत सारे बन गए, नाइस। और ये मैं फ्यूल का पार्ट पता नहीं लेके क्यों घूम रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे पड़े घर पे, इसको यहीं पे रखवाता है। अपना ये दे दो, ठीक है। और थोड़े से मैं ट्रीज तोड़ दूँ गाइज, बिकॉज आई नीड मोर, ठीक है। मोर स्पीयर्स चाहिए मेरे को। मैं पूरा ना बोल रहा हूँ, मैं अपने राफ्ट के ऊपर ना एक ऐसा बना के रखूँगा एक पूरा चेस्ट। देखो और लकड़ी आ गई। और मैं मेरे को एक चेस्ट बनाने, तो चेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैं भूल गया। वुडन चेस्ट कैसे बनता है? वुडन चेस्ट, उसके लिए भी प्लैंक। अरे यार इसके लिए लकड़ी चाहिए होती ना भैंस की, वो लकड़ी मेरे पास अभी है नहीं। मुझे ना अपने साथ एक चेस्ट लाना चाहिए था आई गेस। ठीक है यहाँ से लकड़ी मिल जाएगी थोड़ी सी। यस वी गॉट इनफ वुड एंड ये बची हुई लकड़ी। और ये पाम लीव्स मेरे पास बस जगह नहीं होगा ना, आई एम सॉरी, पाम लीव्स के लिए जगह नहीं है। वो शार्क आ गई वापस, आ जा, तेरा इंतज़ार था, तेरा ही इंतज़ार था, तेरे लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक ट्रैप बना के रखा है। आ जा, उसको एक इतनी दूर लगेगा कि आई डोंट थिंक सो लगेगा उसको, थोड़ा सा अंदर लेके जाऊँ मैं। बट यार अभी अंधेरा होने वाला है, मैं वापस अपने आइलैंड पे जाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। इतना बड़ा आइलैंड था वो और ओनली एक ही शिप थी वहाँ पे, क्या बकवास लूट थी यार, मतलब कुछ भी नहीं मिला मेरे को। सो गाइज अभी ना मैं नेक्स्ट एपिसोड में अपने घर पे वापस जाने वाला हूँ। ये आइलैंड के ऊपर भी जितने भी पेड़ वगैरह है ना, उधर की सारी लूट लेके मैं अपने घर पे वापस निकलने वाला हूँ, क्योंकि अपने होम आइलैंड पे तो लकड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ से मेरे को ना दबा के लकड़ियाँ अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे अपने राफ्ट को पार्क कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ड्रॉप द एंकर एंड हो गया। फाइनली गाइज हम लोग आ गए, अभी यहाँ पे अपना राफ्ट रुक चुका है। तो यही आइलैंड है ना वो, हाँ यही है। मॉर्निंग गेमर्स, सुबह फाइनली हो चुकी है एंड अभी हम लोग गाइज यहाँ से अपने घर पे वापस जाने वाले हैं। लेकिन वापस जाने से पहले इस आइलैंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, देखो ये जैसे यूका ट्रीज वगैरह है, मैं इनको तोड़ के अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, आपको पसंद आया होगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गाइज।